सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो यार ये वीडियो अस नॉर्मल वीडियो, मैं ऐसे कोई इसमें खास रिव्यू वीव्यू नहीं करने वाली हूँ। यार मेरा ना मन करा कि आज ना मैं ऐसी वीडियो बना लूँ, ऐसे बातचीत करने वाली। तो यार सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस जो लोग मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं करते हैं उनको भी। और यार पता, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि पता मेरा लाइव गई थी, मुझे ना लाइव पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। एक्चुअली ना मैं वीडियो में उतना नहीं बोल पाती हूँ जितना मैंने लाइव पे बात करी थी। और हाँ, मतलब कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करना हो तो यार हमें प्रोडक्ट की डिटेल ही देनी पड़ती है ना, हम उसमें कुछ भी बकबक नहीं कर सकते हैं। लेकिन लाइव पे जाके ना मुझे एक चीज़ का बड़ा एहसास हुआ कि मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ। मतलब ऐसे मैं रियल लाइफ में बहुत बोलती हूँ, लेकिन हाँ रिव्यूज़ वगैरह के टाइम पे नहीं हो पाती है वो चीज़, थोड़ा माइंड चलाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुझे ऐसी वीडियोज़ बनानी चाहिए, इस नॉर्मल वाली, इसमें मैं आप लोगों से बात करूँ या ऐसी अपनी लाइफ की डिटेल्स बताऊँ या मेरी लाइफ में क्या हो रहा है ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इस चीज़ को भी करने की कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए। और यार ना मैं एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि ना मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूँ। मैं सच बता रही हूँ, अभी तक मैंने 4 या 5 बार अपने चैनल का नाम बदल दिया है। तो आप प्लीज़ सजेस्ट करना कि मुझे अपने चैनल का नाम क्या रखना चाहिए, क्योंकि मेरा निकनेम तो डुग्गू है, लोग मुझे डुग्गू बोलते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस पर बेस्ट कोई नाम आपको पता तो वो बताना, नहीं तो मेरे रियल नाम दुर्गेशी से कनेक्ट करके बताना कि मुझे क्या रखना चाहिए। वैसे मुझे सारी चीज़ें पसंद है, मुझे रिव्यू करना पसंद है, अनबॉक्सिंग करना भी पसंद है, और कहीं पर जाते वीडियो बनाना पसंद है। लेकिन यार वो चीज़ मुझसे हो नहीं पाती, क्योंकि ना मैं उन चीज़ों में इतना मशरूफ़ हो जाती हूँ, घूमने फिरने में मुझे इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि मैं वो चीज़ कर नहीं पाती हूँ। वीडियो तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ना मैं भूल जाती हूँ उस चीज़ में। मुझे ऐसा लगता है यार इन्जॉय कर रहे हैं तो इन्जॉय कर लेते हैं, कहीं को वीडियो बनाना हर जगह ना ऐसे कैमरा खोल खोल के मुझसे नहीं होता, ये चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से वो वैसी वाली वीडियो आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यार अगर आप लोग बोलोगे ना तो ये चीज़ भी मैं जरूर करूँगी। और पता है मेरे ना आज 304 या 305 समथिंग सब्सक्राइबर हो गए, मुझे इतनी खुशी हो रही, मतलब इतनी खुशी मैं बता नहीं सकती। ठीक है यार, मैंने जीरो से स्टार्ट करना, जो लोग जीरो से स्टार्ट करते ना उन लोग को पता होता है कि 300 फॉलोवर्स पे अगर हो जाए तो कितनी ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा खुशी होती है 300 फॉलोवर्स की भी। मेरे जैसे लोग समझ सकते हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, जिनके पास ना अच्छा सेटअप है ना कुछ है ना कुछ, बस फ़ोन है। और मेरा फ़ोन भी रेडमी नोट 9 प्रो है, ठीक है, समझ रहे हो, रेडमी नोट 9 प्रो से शूट करती हूँ मैं। तो ना अच्छा फ़ोन है ना अच्छा सेटअप है, बस अभी थोड़े दिन पहले रिंग लाइट ली है, वो भी बहुत सोच समझ के, और ऐसी कोई बड़ी किफ़ायती वाली रिंग लाइट नहीं ली है मैंने। मैंने यहाँ के लोकल मार्केट नोवेल्टी में जाके वहाँ से मैंने 800 रुपये में रिंग लाइट और स्टैंड फोन लिया है। हाँ, बार्गेनिंग करी थी मैंने ऐसी, हाँ मतलब ऐसे कोई प्रॉपर कोई अच्छी कंपनी की नहीं है, जैसे मुझे डिजिटेक लेना था लेकिन वो वैसी कंपनी की नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा काम चलाओ, मेरी वीडियोस में आराम से बन जाती है, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा भी फ़ोन है। एक टाइम में मेरे पास ये वाला फ़ोन भी नहीं था, मतलब सोच रहे हो कीपैड चलाती थी कॉलेज टाइम तक, मेरे पास वो छोटू सा फ़ोन था जो स्क्रीन टच आता था, लेकिन मेरे दोस्तों के पास ज़्यादा अच्छा फ़ोन था, मेरे पास ऐसा फ़ोन नहीं था। लेकिन मैंने वो फ़ोन भी चलाया है, और एक टाइम मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, मैंने अपनी दोस्त का फ़ोन भी चलाया है बहुत टाइम तक के लिए। हाँ, लेकिन ये वाला फ़ोन मुझे मेरे पापा ने दिलाया है, तो यार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि कम से कम मेरे पास आईफोन की वैसे मुझे कोई चाह नहीं है, लेकिन यार आजकल लगता है लोगों को देख के कि यार थोड़ा होना चाहिए। लेकिन जब मैं अपने फ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आईफोन जैसी क्वालिटी ना, लेकिन हाँ उसके थोड़ा सा एक लेवल नीचे तक तो आईफोन वाली क्वालिटी मेरा फ़ोन भी मुझे देता है। हाँ, लेकिन बैक कैमरे से आपको शूट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, वो है ये कि आपको बैक कैमरे से शूट करना पड़ेगा। फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चाहिए एकदम लाइव सेटअप अच्छा वाला। लेकिन मैं आजकल इसके बैक कैमरे से शूट करती हूँ, मेरा हाथ दर्द होने लगे क्योंकि मैं ऐसे शूट कर रही हूँ बिना स्टैंड पर रखे हुए। तो यार मैंने इसके बैक कैमरे से आजकल शूट करने लगी, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि यार मेरा बेचारा 20,000 का फ़ोन मुझे वीडियो बनाने में इतनी मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि लोगों को मेरी वीडियो पसंद भी आ रही है,
तो यार मुझे 300 से ज़्यादा लोग फॉलो करने लगे, इतनी खुशी हो रही है बिल्कुल देख के। हाँ मतलब फॉलोवर्स तो एक नंबर ही है, लेकिन यार अच्छा लगता है ना कि इतने लोग आपसे जुड़े हैं, आपकी वीडियोस रोज़ देख रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लाइव पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। यार ये तो चीज़ मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि ना मैं आजकल लाइव पर भी आया करूँ, ताकि वहाँ पर आप लोगों से मैं बात कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय।